अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं फिर आपके लिए एक न्यू वीडियो बहुत ही अच्छी लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मोटरसाइकिल एक हमने इंजन खोला है, इसके अंदर जो टैमिक चैन है, ये इसका मसला आया था कि टैमिक चैन के जो जितने भी नट बोल्ट हैं वो टूटे हुए नज़र आए हमें। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें इसकी टूटी है और क्यों टूटी है, ये भी मैं आपको बताऊँगा अभी। इसके अंदर मसला ये है कि इसकी टाइमिंग चैन जो है, इसके जितने भी नट हैं, ये नट ये भी स्लिप हो गया और ये दो है इसके नट, ये देख लें आप किस तरह का हो गया, ये क्यों हुआ। और ये इसका स्प्रिंग जो है ये इस तरह का निकला है, बहुत मुश्किल से ये खींच के निकाला है हमने। तो ये क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, क्या वजह थी, आज मैं आपको इंशाल्लाह ये बताऊँगा। और इसकी आयल पम्प गरारी देख लें, वो भी टूट गई है आयल पम्प गरारी जो है, ये देख लें दोस्तों इसकी आयल पंप गरारी है, इसका अंदर वाला हिस्सा, ये दोस्तों इसका अंदर वाला हिस्सा है, ये बिल्कुल इधर से टूट चुकी है। ये भी क्यों टूटी है ये मैं आपको आज बताता हूँ। दोस्तों ये देखिए, दोस्तों ये इसकी घोड़ा पत्री होती है और घोड़ा पत्री का ये जो बुश है, ये एक मसला आया था कि इसके अंदर ये नट जो है, ये नट किसी ने बड़ा लगा दिया था जो कि स्प्रिंग के साथ अटैच हो गया। ये इसने स्प्रिंग को दबा दिया और स्प्रिंग को जैसे इसने दबाया तो टेंशन राड ने अपना काम छोड़ दिया, क्योंकि स्प्रिंग जो है इसको टेंशन राड को दबा नहीं रहा था। टेंशन राड जो है वो सही काम ना करने की वजह से इसकी ये जो घोड़ा पत्री है, इसका ये इसके ऊपर प्रेशर आया और ये नट जो है वो लूज़ हो गया। और लूज़ हुआ तो किसी मैकेनिक से उसने खुलवाया और उसने ये इसको पंच करके यहाँ पे लगा दिया। तो पंच इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि पंच करके ये इसने लगाया वो हिलता रहा, यहाँ पे बहुत प्रेशर होता है और ये हिलने की वजह से जो है इसका ये स्लिप फिर हो गया, जिसकी वजह से इसकी घोड़ा पत्री जो है वो लैदा हो गई और ये इसका नट बिल्कुल स्लिप हो गया। ये मैं इसका अभी मैंने इसका बुश जो है खरादिए से लगवाया है, न्यू लगवाया, और नट भी इसका मैं न्यू लेके आया हूँ, क्योंकि ये नट जो है इसने पंच किया और ये ख़राब हो चुका है, इधर से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये नट जो है ये भी हम छोटा लगाएंगे और इसका खरादिए से हमने बुश लगाया, और इसकी आयल पंप गरारी भी हम न्यू डालेंगे, और टैमिक चैन जितना भी इसका सामान है ये हम न्यू डालने वाले इंशाल्लाह। टैमिक चैन जो है आवाज़ क्यों करती है, इस पर मैं डिटेल से वीडियो बनाऊँगा कि कितनी चीज़ों की वजह से मोटरसाइकिल की टैमिक चैन आवाज़ करती है और आप इसको किस तरह ठीक कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसकी गोटे बिल्कुल इस तरह हो गया और ये जो है बहुत बड़ा मसला कर रही थी। तो ये चीज़ें मैंने आपको बतानी थी कि ताकि आप लोग जो है अगर यहाँ पे बुश नहीं लगवाते, इसको कूट के यानी कि पंच करके लगा देते हो, तो फिर आपका ये कुछ दिनों के बाद स्लिप हो जाएगा और फिर आपको दोबारा इसको खोलना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि आप ज़्यादा नुकसान करने से पहले इसको चेक करके पहले हर चीज़ को चेक कर लें कि कौन कौन सी चीज़ यहाँ पे ख़राब हो रही है, तो आप उसका काम करवा लें। दोस्तों ये सब कुछ करने के बाद इसकी जो आयल पंप गरारी होती है, इसको चेंज करने का तरीका तो हमने पहले बता दिया था वीडियो में, लेकिन बहुत से दोस्त कह रहे हैं कि यार इसको खोलने का भी तरीका बताओ, खोलने का तरीका कार क्या है। अक्सर तो दोस्तों ये बिल्कुल टूट जाती है और वो खोलना तो बहुत ही आसान हो जाती है, लेकिन कुछ जो है वो नहीं टूटती, तो उसको आप किस तरह खोल सकते हैं। ये न्यू मॉडल में जो आयल पंप गरारी आ रही है, इसको खोलना बहुत आसान है, यहाँ पे पेचकस रख के आप इसको खोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो न्यू ओल्ड मॉडल है उसमें बिल्कुल ये फिक्स होती है, अंदर से ये जो है फिक्स होती है, ये खुलती नहीं है। इसको किस तरह खोलना है आपने, बगैर क्लच साइड खोले, ठीक है। तो ये इस तरह इसका राड लगा होता है, मैं राड नहीं अभी लगाता, तो इसको इस तरीके से ही लगा के आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये इस तरीके से आयल पंप गरारी लगी होती है, और यहाँ पे आपने इसको पहले अगर इसके ऊपर आँच आ गया, हल्की सी त्रेड आ गया, तो आप इसको चेंज करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आयल पंप गरारी काम नहीं करेगी, तो आपने इसको यहाँ से पेचकस रख के, ये नहीं कि इसके बिल्कुल साथ नहीं रखना, थोड़ा सा इसके इधर, ठीक है, इसको टेढ़ा पेचकस को रखना है, और टेढ़ा रख के आपने इसको चोट लगानी है। चोट लगाएंगे तो आपकी आयल पंप गरारी का ये जो सेंटर वाला हिस्सा होता है ये लैदा हो जाएगा और ये लैदा हो जाएगा। फिर आपने इसके सेंटर वाले हिस्से को ऊपर की तरफ खींच लेना है, जैसे आप सेंटर वाले हिस्से को ऊपर की तरफ खींचोगे तो ये राड भी साथ ही बाहर आ जाएगा
और ये राड जब बाहर आएगा तो आप इसको लहदा खोल लें और ये जो है लहदा आप करके इसको न्यू को भी इस तरीके से डाल सकते हैं। अगर आप न्यू ऑयल पम्प ग्राडी डालने का तरीका देखना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप न्यू ऑयल पम्प ग्राडी डालने का तरीका भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये बताने का मकसद है कि आपको समझ आ जाए कि ये आपने काम किस तरीके से करना है और इसके अंदर आपको क्या मसले आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।